जय श्री राम प्यारे भक्तों, प्यारे भक्तों एक कमेंट कई बार आ चुका है। इन्होंने बोला है हमें कि माता जी एकादशी व्रत के बारे में हमें बताइए, किस प्रकार व्रत करना चाहिए। तो वैसे तो प्यारे भक्तों हम आपको स्पष्ट बता देना चाहते हैं, हमने उनको लिख के भी बताया लेकिन वो फिर भी बार बार कमेंट कर रहे, तो हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, इसलिए हम ये वीडियो उनके लिए बना रहे हैं। लेकिन हमारा विश्वास व्रत के ऊपर नहीं है, क्योंकि प्यारे भक्तों आप ये समझ लीजिए थोड़ा सा कि व्रत किस लिए किया जाता है। व्रत किया जाता है पापों का नाश करने के लिए, किसी फल की इच्छा के लिए, या कुछ आप चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। तो प्यारे भक्तों अगर आप इन व्रतों में उलझे रहोगे, या फिर जैसे कबीरदास जी ने साफ कह दिया कि ना मैं व्रत में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, तो फिर हम क्यों व्रत जप तप करें। मैं ये नहीं कहती नहीं करना चाहिए, व्रत करना अच्छी बात, उससे फल मिलता है, फल मिलेगा, परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति व्रत से कदापि नहीं हो सकती प्यारे भक्तों, कबीरदास जी के अनुसार। लेकिन हमें इससे भी ऊपर उठना है, और इससे ऊपर उठने का क्या मतलब है, कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है कि जो लोग देवताओं को भजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो लोग पितरों को भजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो लोग मुझे भजते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो हमें केवल उस एक को ही भजना है, हमारा तो विश्वास ये है, जहाँ आपका विश्वास है वो आप कीजिए, हम तो आपको बता सकते हैं, अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी है। प्यारे भक्तों हम आपको अपना ही अनुभव बताते हैं, पहले हमने भी बहुत व्रत किए हैं और इन व्रतों में इतना विश्वास था, लेकिन जब आप नाम जप करने लग जाते हो तो आपका अपने आप ये छूट जाते हैं, व्रत छोड़ने नहीं पड़ते, अपने आप छूट जाते हैं। आपको इतनी समझ हो जाती है कि जो सबसे ऊपर है भगवान का नाम, हमने उसको पकड़ लिया है तो और किसी साधन की ज़रूरत नहीं है, एक को साध लो, यानी नाम जप से ही आपको सभी फलों की प्राप्ति बड़ी ही आसानी से हो जाती है, और परमपिता परमेश्वर की भी प्राप्ति केवल और केवल भगवान के नाम जप से ही हो जाती है। जो मनुष्य भगवान के नाम का जप करता है, और वो भी प्राण जप अगर कोई करता है, तो थोड़े दिन के अभ्यास के बाद उसे ये चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता। जब उसे ये समझ में आ जाता है कि हमें केवल और केवल एक उसको ही भजना है, ये प्यारे भक्तों नानक जी ने भी कहा है केवल एक को ही भजना चाहिए। लेकिन अभी हम पूरा बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगे। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। जितनी भी एकादशी हैं, यानी कि साल में 12 एकादशी आती हैं, और उन हर एकादशी का अपना अलग महत्व है, और बहुत ही महत्व होता है एकादशी का, इनका फल भी अवश्य ही मिलता है, जो भी आपकी इच्छा होती है वो इच्छा पूरी करते हैं, और ये विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। तो इसमें क्या करना है, सभी मनोकामनाएं तो आपकी पूर्ण होती ही होती हैं, और नाम जप से भी हो जाएंगी वैसे, लेकिन जिसका व्रत में विश्वास है वो अवश्य ही करें। देखो इस व्रत की विधि, मतलब इसके नियम जो है, दसवीं तिथि से ही शुरू हो जाती हैं शास्त्रों के अनुसार, यानी कि व्रत रखने वाले को दसवीं तिथि की शाम से ही नियम संयम पालन शुरू कर देना चाहिए। उसके अगले दिन सुबह सूर्य को अर्घ्य देकर विष्णु भगवान की पूजा शुरू करनी चाहिए, और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। अब आप ये समझ लीजिए कि कैसे करना है व्रत की। सबसे पहले व्रत वाले दिन, यानी एकादशी वाले दिन, सुबह भोर में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें, उसके बाद पीले वस्त्र धारण करें और तुलसी को कच्चे दूध से सींचें, उसके बाद भगवान विष्णु का गंगाजल, दूध दही शहद घी से अभिषेक करें, पुष्प जनेऊ तुलसी दल चढ़ाएं। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी इस विधि से पूजा करें और उसके बाद आरती करें। पूजा करने के बाद भगवान विष्णु को पीली मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं।
भोग में तुलसी के पत्ते जरूर डालें। भगवान विष्णु के साथ इस दिन माँ लक्ष्मी का भी ज़्यादा से ज़्यादा मन के द्वारा स्मरण करें तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं और जो भी आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, वो अवश्य ही पूर्ण करते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो खाली व्रत करें और मन के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा करें, क्योंकि भगवान को मन चाहिए। प्यारे भक्तों, आपने पूरा व्रत अगर विधि विधान से कर भी लिया और अगर भगवान को मन से याद नहीं किया तो उतना लाभ आपको उतना क्या बिल्कुल मिल ही नहीं सकता, क्योंकि उसको मन चाहिए। जो भाव से उसको एक बार भी याद कर लेता है तो भगवान उसकी तुरंत इच्छा पूर्ण कर देते हैं। तो आप चिंता ना कीजिए, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो उसको मन से याद अवश्य ही करना। और प्यारे भक्तों, इस दिन सबसे ज़रूरी चीज़ें ये हैं कि शाकाहारी भोजन करना है, चावल नहीं खाने चाहिए, फल फ्रूट ही खाने चाहिए, मन में शुद्ध विचार रखने चाहिए, पीले कपड़े पहने अगर हो सके तो। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है, ये हमने पहले ही बता दिया है, और माँ लक्ष्मी और विष्णु की आरती करनी है। तो अगर आप कर सकते हैं तो ये करें, अन्यथा हमने बताया है कि मन के द्वारा उनको याद करें, क्योंकि उन्हें मन चाहिए। जिसने उसको मन दे दिया उसी को उसने सब कुछ दे दिया, इससे ऊपर कुछ नहीं है। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। जय श्री राम प्यारे भक्तों।